सो वेलकम बैक टू चैनल गाइज। आज की वीडियो के अंदर पे गाइज हम अपनी RS200 पर कुछ इस टाइप की LED स्ट्रिप्स को इंस्टॉल करने वाले हैं और इनका कनेक्शन हम पायलट लैंप्स पर करेंगे कि जब भी अपन पायलट लैंप ऑन करें तो जो LED है वो DRL टाइप से वर्क करे। सो गाइज मेरी जो है वो BS3 RS200 है। तो BS4 और BS6 के अंदर पे क्या होता था कि जब भी अपन की ऑन करते थे तो पायलट लैंप जो है वो भी ऑन हो जाते थे, पर BS3 के अंदर पे अलग से स्विच आता है। तो हम क्या करेंगे, उस स्विच पर इसे कनेक्शन करेंगे कि जब भी अपने पायलट लैम्प ऑन हो तो अपने जो LED स्ट्रिप्स है वो भी वर्क करे और एकदम शानदार लुक निकल के आए। तो चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि इसका जो लुक वगैरह वो कैसे क्या निकल के आता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि गाइस मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, स्क्रीन पर आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम आईडी का हैंडल दिखाई दे रहा होगा, सो गाइस जाके फॉलो कर सकते हो। तो चलिए लगाते हैं इन LED स्ट्रिप को अपनी RS200 पर। सो गाइस ये खड़ी हुई है अपनी RS200 और RS200 के अंदर पे हम आज की वीडियो पर कुछ इस टाइप की LED स्ट्रिप्स को इंस्टॉल करने वाले हैं DRL के टाइप से। ये वाली जो LED स्ट्रिप्स है ये आप लोग किसी भी छोटी मोटी इलेक्ट्रिकल शॉप में आसानी से 20 या 30 रुपए के अंदर मिल जाएगी। मैंने ऐसे के 2 पेयर बाय किया हूँ, आप लोग देखो। और मैंने ना इस पर शोल्डरिंग वगैरह भी करवा लिया हूँ जिससे इसके जो कनेक्शन वगैरह है वो भी थोड़े ईजी हो जाएंगे। तो कुछ इस टाइप से मैं इसे इंस्टॉल करने वाला हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आप लोगों को अभी लगा करके दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने उस साइड वाली जो LED स्ट्रिप है उसे मैंने फिक्स कर दिया हूँ, मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ। तो आप लोग देखो LED स्ट्रिप को मैंने यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ पर ख़त्म किया हूँ। और इसके जो 2 वायर्स हैं उनका कनेक्शन हम पायलट लैंप्स पर करेंगे। यहाँ तक वायर पहुँचाने के लिए गाइस अपन क्या करेंगे, प्रोजेक्टर के साइड में ना गाइस थोड़ा सा गैप होता है, आप लोग देखो यहाँ से इजीली अपने LED के जो 2 वायर्स हैं वो अंदर की तरफ निकल जाएंगे। और ये वाली जो LED है इसके पीछे ना एक टेप लगा हुआ होता है, उस टेप को आप लोग निकालो तो ये वाली जो LED है उसे आप कहीं पर भी स्टिक कर सकते हो। अगर वो वाला जो गम है वो ख़राब हो गया होगा तो आप लोग फेविक्विक वगैरह से भी ये वाली जो LED है उसको यहाँ पर चिपका सकते हो। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इस साइड की जो LED स्ट्रिप है उसे फिक्स करके दिखाता हूँ। सो गाइस अभी आप लोग देखो अपनी दोनों साइड की जो LED स्ट्रिप्स है वो एकदम अच्छी तरीके से स्टिक हो चुकी है प्रोजेक्टर के ऊपर, एकदम DRL वाला लुक निकल के आएगा जलने के बाद में। तो इनके जो वायर्स वगैरह है वो आप लोग देखो तो मैंने प्रोजेक्टर के बाजू से निकाल दिया हूँ अंदर की तरफ, सेम उस तरफ भी आप लोग देखो तो। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसके जो कनेक्शन वगैरह वो बताता हूँ। गाइस इनके कनेक्शन करने के लिए हमें जो स्पीडो फ्लैप है ये वाला पार्ट इसे खोलना पड़ेगा। आप लोग देखो यहाँ पे एक एलंकी बोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पे एक एलंकी बोल्ट है और 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। इन 6 एलंकी बोल्ट को खोलने के बाद में जो स्पीडो फ्लैप है उसे अपन हटा पाएंगे और इसके जो कनेक्शन वगैरह है वो कर पाएंगे। तो चलिए पहले मैं ये वाला जो पार्ट है उसे खोल लेता हूँ। तो गाइस अभी आप लोग देखो बाइक का जो स्पीड ऑफ लैप है उसे मैंने खोल लिया हूँ और LED के जो दोनों वायर्स हैं उन्हें ना मैंने कॉमन कर लिया हूँ, आप लोग देखो रेड पे रेड और ब्लैक पे ब्लैक की, ताकि हमें 2 बार कनेक्शन ना करना पड़े। तो इनका कनेक्शन ना हम पायलट लैंप पर करेंगे और पायलट लैंप का जो सॉकेट है वो ये है रेड वाला। और इसमें आप लोग देखो 2 वायर्स दिए हुए हैं, एक है ब्लैक वाला जिसमें येलो कलर की लाइन दी हुई है और एक है रेड वाला वायर। तो जो अपने LED स्ट्रिप का जो ब्लैक वाला वायर है वो जाएगा अपने ये ब्लैक वाले वायर पे सॉकेट के, और जो रेड वाला वायर है वो जाएगा अपने रेड वाले वायर पे। तो गाइस जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि अपने LED स्ट्रिप्स के जो कनेक्शन है वो एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए अब बाइक को स्टार्ट करते हैं और पायलट लैंप को ऑन करते हैं और देखते हैं कि अपने जो LED स्ट्रिप्स हैं वो कैसी क्या वर्क कर रही है। तो चलिए करते हैं बाइक को स्टार्ट और पायलट लैंप को करते हैं ऑन अपन। तो गाइस आप लोग देखो अपनी जो LED स्ट्रिप्स हैं वो एकदम अच्छी तरीके से वर्क कर रही हैं। एक बार आप लोग इस तरफ वाली भी देखो। तो यही था गाइस वीडियो। अगर वीडियो वगैरह आप लोगों को पसंद आई तो गिव इट थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
क्योंकि यार आप लोगों को पता है कि ये सब वीडियोस वगैरह बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। और बेल आइकन का ना ऑल पर सेलेक्ट कर लेना कि जब भी मैं कोई वीडियो वगैरह अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना हो तो स्क्रीन पर आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी का हैंडल दिखाई दे रहा होगा, आप लोग जाके फॉलो कर सकते हो। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, टिल देन बाय गाइस। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों को ये जो DRL का लुक है वो कैसा लगा।